क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाले तमाम मतवालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीसीबी चेयरमैन ने पाकिस्तान टीम में 7 बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान बमकाबला साउथ अफ्रीका के दरमियान पाकिस्तान टीम में चेयरमैन पीसीबी ने पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 में 7 बड़ी तब्दीलियाँ कर दी है। पर्ची खिलाड़ियों को टीम से फारिग कर दिया गया है। दोस्तों आपको बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीसीबी ने किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया है और किन खिलाड़ियों को टीम से छुट्टी हो चुकी है, इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। मगर वीडियो में आगे जाने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पाकिस्तान बमकाबला साउथ अफ्रीका सीरीज 2024 जिसमें पाकिस्तान टीम के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान टीम में दोस्तों 3 बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें दोस्तों, पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में से सैम अयूब को पाकिस्तान टीम से निकाल दिया गया है। सैम अयूब की जगह दोस्तों मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल कर लिया गया है। आपके ख्याल में दोस्तों टीम में मजीद कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए थी, आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पाकिस्तान बमकाबला साउथ अफ्रीका सीरीज 2024 ये दोस्तों अक्टूबर के महीने खेला जाएगा। पहला मैच दोस्तों 9 नवंबर को आपको पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर लाइव शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल अकबर स्पोर्ट को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।